तमाशा की मटर गश्ती सड़क से निकल के आप पहुंची है ट्रेन में, जबकि मेरे साथ हैं दीपिका, रणबीर और इम्तियाज। हम लोग निकले हैं इस खूबसूरत जर्नी पर मटर गश्ती करने के लिए, जहाँ पे तमाशा की टीम जो है वो दिल्ली तक ट्रैवल कर रही है मुंबई से। सो स्वागत है आप सभी का। और एक मिनट विजय, दर्शकों की जानकारी के लिए हम बता दें कि हम यहाँ पे ट्रेन में बैठे हैं, इसलिए थोड़ा सा अनकंफर्टेबल पोजीशन में दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन एक्चुअली हम बहुत मस्ती करने वाले हैं इंटरव्यू में, तो सारी इतनी अनकंफर्टेबिलिटी है वो खत्म हो जाएगी। स्वागत है आप सभी का। सो मुझे ये बताइए, सबसे पहले ये इतना वाइल्ड आइडिया ऑफ ट्रैवलिंग इन अ ट्रेन आया किसके दिमाग में और कैसे? एक्चुअली हम इतने दिन से प्रमोट कर रहे हैं, तो दीपिका एक दिन जब हमारा दिन खत्म हो गया था, तो वो कह रही थी कि यार मैं बहुत दिनों से मैंने ट्रेन से सफ़र नहीं किया है, और क्योंकि हमें लगा कि इस फिल्म में इतना सफ़र हो रहा है, यू नो फॉर कैरेक्टर्स के अंदर सफ़र हो रहा है। इम्तियाज़ ने हमें सफ़र करवाया, बहुत सफ़रिंग से हम गुजरे हैं, जीसस क्राइस्ट जी सफ़र किए थे, तो ये सब सफ़र को कुल मिला के हमने ये सफ़र प्लान किया जस्ट फॉर दीपिका। दीपिका, कहने की बात है कि ये एक थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है जब आप स्टार हो जाते हैं, तो ज़िंदगी की ये छोटी छोटी सी जो खुशियाँ हैं, जैसे आपने कहा कि ट्रेन में सफ़र नहीं किया है बड़े दिनों से, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो स्टार होने का एक ही कहीं ना कहीं प्राइस पे करना पड़ता है, कि आप इनसे वंचित रह जाते हैं सब कुछ? नो, आई थिंक हम इसलिए नहीं ट्रैवल करते, ज़्यादातर हम ट्रैवल नहीं करते क्योंकि थोड़ा ज़्यादा वक्त लगता है। तो अगर बॉम्बे से दिल्ली अगर हमें जाना है, तो अगर हम बाय फ्लाइट जाते तो शायद एक घंटे में दो घंटे में पहुंच जाते। बट अगर ऐसे मतलब दोस्तों के साथ अगर मुझे जाना है, तो आई थिंक द बेस्ट वे इज़ टू गो बाय ट्रेन, क्योंकि एक दूसरे के साथ बहुत वक्त यू नो स्पेंड करने में हम स्पेंड कर सकते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आई थिंक बहुत सालों से मतलब मैं गई नहीं हूँ ट्रेन पर, एंड इट्स अ लॉट ऑफ फन, क्योंकि जब मैं स्कूल में थी, जब मैं कॉलेज में थी, और मैं बैडमिंटन, जब मैं स्टेट टीम में थी, मैं बहुत जाती थी ट्रेन में, मैंने बहुत ट्रैवल किया है, तो मैं इस एक्सपीरियंस को मिस कर रही थी, और मैं चाहती थी कि मैं ये एक्सपीरियंस इन दोनों के साथ शेयर करूँ। थैंक यू इम्तियाज़। मुझे याद है हम लोग रॉक स्टार के लिए भी पूरा पंजाब घूमे थे, चंडीगढ़ गए, अमृतसर गए थे, बहुत या आई वाज देयर। किस किया था? नहीं मुझे किसने किया था। तो मतलब बहुत व्हाट ही किस्ड एवरी खोज रहे हैं ये खोज रहे हैं क्या ही किस्ड वन गर्ल एंड ही इज एक्चुअली लुकिंग फॉर दैट। याद नहीं है कि वो लड़की कौन थी, और तब से लेकर आज तक वो उस लड़की को ढूंढ रहे हैं। ये एक अगली मेरी अगली फिल्म इसी पर आधारित है कि रणबीर ने किस। तो मुझे ये बताइए इम्तियाज, मतलब हम आपकी फिल्मों में भी ये चीज़ें देखते चले आ रहे हैं कि बहुत लव स्टोरीज होते हैं, रिलेशनशिप्स होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक इंट्रिकेट कुछ प्लॉट, चाहे वो लव आजकल की बात करें या रॉक स्टार की बात करें, कहीं ना कहीं रोड की बात करें, रॉड एंड रॉक गॉट मिक्स्ड, सो कहीं ना कहीं एक इंट्रिकेसीज या कहीं ना कहीं तमाशबीन बन के चीज़ों को तमाशबीन की नज़र से देखना, ये बहुत ज़्यादा दिखाई देता है। आपकी तमाशबीन इज आर द पीपल जो तमाशे को पूरा इंजॉय करके देखते हैं उनको, नॉट ऑलवेज ऑडियंस, उसमें एक्चुअली कुछ एक सेडिस्टिक लोग भी होते हैं जिनको दूसरों का तमाशा देखने में बहुत मज़ा आता है। तो ऑल द कैटेगरीज पॉजिटिव एंड नेगेटिव आर देयर बींग अ तमाशबीन, बट मज़ा आता है, मतलब कहने की बात है। तो ये इतना मज़ा जो है ये मतलब रॉक स्टार के टाइम पर भी हमने किया, अब हमको ये कि तमाशा के टाइम पर भी करने मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में भी ऐसी कुछ चीज़ें चलती रहती हैं कि आप सोचते हैं कि अलग से फिल्म को प्रमोट किया जाए जो लोगों को अलग तरह का कुछ दिखाई दे। के जवाब से पहले मैं आपको ये बता दूं कि कल रात इम्तियाज़ ने दीपिका और मुझसे कहा था कि आप लोग ने अभी प्रमोशन कर लिया है, जो प्रोड्यूसर आपसे चाहते थे, जो एज एक्टर्स आप चाहते थे, ये आपने कर लिया है, अभी जो अभी कुछ दिन बाकी है इस फिल्म के, इस ये फिल्म के बाद इम्तियाज़ अपने रास्ते जाएगा, दीपिका अपने रास्ते जाएगी, मैं अपने रास्ते जाऊँगा, तो ये कुछ जो चंद दिन बचे हैं, 5-6 दिन, ही वॉन्टेड अस टू इन्जॉय, यू नो, और इतना मतलब प्रमोशन हो गया, अभी कितना बात करेंगे तमाशा के बारे में। What are your feelings for Ranbir Kapoor? Right now, I just want to pinch his cheek. So cute. Oh, la, 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 la. Can I also do it? So, yes, too oh, cute, yeah. So too nice. Cute, yeah. So cute. आपका आपका question क्या था? पता नहीं, मेरा answer यही था. Actually, इस interview में हमारा सब जवाब यही होगा. हर सवाल का जवाब यही होगा. So cute.
ओके रणबीर वो लड़की कौन थी जिसको आपने किस किया था? वो हमें हम ढूंढ रहे हैं। आपको भी याद नहीं है ऐसे कैसे तेरे मतलब जिस लड़की को आप किस कर लेते हो वो आपको याद नहीं है? ऐसे मुझे बदनाम करा किस वजह से था नहीं जैसे आप भी थे उस सफर में हमने बहुत एंजॉय किया था। आप उस बस ट्रिप में थी आपको आपको याद है इसने सी मुझे इतना याद है कि इसने किस करने के बाद वो लड़की बेहोश हो गई। आपको याद है इसने एक लड़की को किस किया था? किस नहीं किया था ना हम गा रहे थे डांस या एक्चुअली डांस नहीं किया था डांस मतलब एज इन व्हाटएवर फन यू कैन हैव विद इन द बस प्रॉक्सिमिटी लाइक विद इन द ट्रेन प्रॉक्सिमिटी जिस तरह का सी हम बस से ट्रैवल किए थे फिर हम अच्छा आपको ये याद है कि हम एक खेत में घुस गए थे नरगिस और रणबीर को लेके और बहुत दूर तक चलने पड़ा था वहाँ अगर इन्होंने किस किया हो किसी को तो मुझे नहीं 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 वहाँ मैं किस ना था सरेआम सबके सामने इसने किसी को किस किया और आपने देखा था सर वैसे भी बदनाम इंसान हूँ सर और बदनाम कर रहे हो सर ये E24 है सर ये 2 घंटा यही चलाएंगे इतना बदनाम मत किया करो रणबीर आप हमेशा E24 के बारे में बदनाम करते रहते हो इसका भी जवाब नहीं इतना क्या बदनाम करते रहते हो हमेशा जिंदगी बर्बाद कर दी है मेरी E24 ने So we all are having fun at Ranveer's cost. You can speak loud. I'll tell you later. Later, off camera. पूरे पूरा ट्रैक चला गया क्वेश्चंस का ऑफ ट्रैक हो गया गाड़ी को पटरी में लाते ठीक है दीपिका मुझे बताइए कि अगर आपके हाथ में माइक दे दिया जाए और ये कहा जाए कि आप इस इंटरव्यू को कंडक्ट करें सो व्हाट द sensational question which comes to your mind which you wants to ask Ranveer or Imtiaz who would put that question Mike Alal this is a sensational question yeah acha abhi mauka mila hai ek acha question puch Ranveer like E24 okay Ranveer E24 okay let me see so tell me how are you feeling right now excuse me that's very unique main sab darshakon ko क्या रहे होली की शुभकामनाएं देना चाहूँगा एंड न्यू ईयर की शुभकामना चाहूँगा और हम सब अमिताभ बच्चन जी के बहुत बड़े फैन हैं उनके जन्मदिन में हैप्पी बर्थडे नमस्कार मैं हूँ रणबीर कपूर और सर सर क्रिसमस न्यू ईयर मैं सबको हैप्पी 2016 क्रिसमस बोलना चाहूँगा। अच्छा आप ये फिल्म तमाशा के बारे में बताइए। तमाशा एक्चुअली बहुत ही डिफरेंट फिल्म है यू नो इट्स डिफरेंट बहुत ही मेहनत की है हमने ये इम्तियाज अली डायरेक्टर हैं बस और दीपिका तो संजय लीला बंसाली और इम्तियाज अली के बीच में अगर आपको किसी को चुनना है तो आप किसे चुनेंगे? सर सर वो एक्चुअली वो क्या है ना कि देयर सच डिफरेंट पर्सनालिटीज यू नो द काइंड ऑफ फिल्म्स दैट दे मेक आर सो डिफरेंट बट The common thing between both of them is that both of them are very sexy. So, Sanjay Bhansali is sexy. Yeah. आपको नहीं लगता? No. So, Sanjay Bhansali makes him look sexy. Yes, that too. I'm not a girl, you like towel, Emma. But. आपने किया मैं तो सिर्फ बोल रही हूँ. दोनों के साथ मैंने काम किया है और बहुत कुछ E24 में खुलासा सीनियर जर्नलिस्ट नीरू का फोन अभी बजा है इंटरव्यू के दौरान देखिए किसका नंबर सनसनी जी आई लॉस्ट माय ट्रेन ऑफ थॉट इम्तियाज अली आपके लिए प्रश्न आपको भी करीना कपूर के साथ कोई फिल्म बनाना चाहोगे और अगर चाहोगे तो अगर आपके पास एक कास्टिंग है एक लड़की की और आपकी चॉइस है दीपिका पाडुकोन और करीना कपूर आप किसको लोगे? दीपिका पाडुकोन को सर आप कैमरा में मैं दीपिका पाडुकोन को लेना चाहूँगा क्योंकि वो यहाँ हैं और करीना कपूर यहाँ है नहीं यहाँ पे एक 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 सवाल था मेरा जब इन्होंने पूछा कि इम्तियाज और संजय में से किसी को चुनना हो मैं अगर आपसे ये पूछना चाहूँ कि आप नो नो रणवीर एंड रणवीर दैट्स द सेंसेशनल क्वेश्चन बाजीराव मस्तानी और तमाशा इट कम्स टू दैट बाजीराव मस्तानी और तमाशा ओह शी इज गेटिंग क्या E24 मेड दीपिका क्राइड नाउ दिस इज गोइंग टू बी द हेडलाइन दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू बी सेइंग नाउ ई That's the sensation. That's you said, na sensational question.
I would like to thank Imtiaz Ali for giving me this Academy. Opportunity. What? Okay. You're so cute. बेटे बैठ जाओ सॉरी आई वुड लाइक टू थैंक इम्तियाज अली फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी एंड फॉर ब्रिंगिंग आउट द बेस्ट इन मी बेस्ट दिस इज द बेस्ट इन दीपिका व्हाट व्हाट्स द बेस्ट द वे दैट शी इज राइट सो जब वी मेट का पार्ट 2 का टाइम कौन सा था जब वी लेफ्ट आपको जब वी लेफ्ट की कहानी सुननी है प्लीज कैरी ऑन आप ही सुनाओ सर सो जब भी मैं हाउ डिड द फिल्म एंड सर गीत गेट्स मैरिड टू खेतों में कुछ सीन था किस सीन था टू आदित्य मैं भूल गया सर आपको बाद में बताएंगे ओके नहीं आप E24 के दर्शकों के साथ शेयर कर सकते एक आइडिया था जब वी मेट का जो सीक्वल बनेगा अगर वो बनता तो कैसे बनता कौन से कैरेक्टर के थ्रू बनता तो इम्तियाज अली आपको अभी प्रस्तुत करेंगे हमारा ये आइडिया था कि थ्रू दैट अदर बॉय हाँ जो अंशुमन था ना जिस जो तौलिया बांध करके कह रहा था मुझे गंदे के खेतों में नहीं जानता है जाना है वो आई एम सॉरी आई एम कटिंग यू इन बिटवीन हियर दैट डायलॉग इज फेमस इन एट माय प्लेस एवरीवन व्हेनेवर द फिल्म कम्स एवरी सिंगल पर्सन सिटिंग इन द हाउस नहीं जाता मैं गन्ने के खेतों में मुझे नहीं जाना गन्ने के खेतों में एवरीबॉडी कीप्स टॉकिंग तो पिक्चर स्टार्ट होती है गन्ने के खेत से अंशुमन निकल रहा है सरदारों के साथ फिर वो आता है देखता है गीत की तो शादी हो गई आदित्य के साथ तो अब मैं क्या करूं तो वो डिजेक्टेड होकर के जैसे आदित्य स्टार्टिंग में निकलता है ना शाहिद कपूर पिक्चर स्टार्ट होती है वो बड़ा डिप्रेस्ड सा निकलता है वैसे अंशुमन अब निकलता है और वो ऐसे बेतहाशा जाकर के किसी ट्रेन में बैठ जाता है वहाँ उसको एक लड़की मिलती है वहाँ से उसकी कहानी शुरू होती है जब वी लेफ्ट सो दैट वाज जब वी मेट का सीक्वल व्हेनेवर इम्तियाज अली वुड लाइक टू मेक इट जब वी आपकी फेवरेट इम्तियाज अली फिल्म कौन सी है रॉकस्टार एनी डे रॉकस्टार नहीं इट्स आई एम सॉरी यू लाइक इम्तियाज अली विद लॉन्ग हेयर विद शॉर्ट हेयर I never thought about it. Yeah. I like him as a But you like him as the way he looks, or you like him with the stories he tells. The story which he tells. I loved always. Like I've loved Love Aajkal, but Rockstar was much much way ahead and better than whatever films he made. I don't know. I'm sorry, we haven't seen Tamasha, so we can't talk about that. But if at all, but on a serious note, fan I am diehard Imtiaz. So, your top three directors who are in film industry? मैं काट दूंगी एडिट पे वो प्रॉब्लम नहीं है मेरे टॉप थ्री डायरेक्टर्स में संजय बंसाली हैं ऑफ कोर्स इम्तियाज हैं एंड रोहित शेट्टी सिनेमा रोहित शेट्टी यस तो आप समस्या में हो ये दो महीने तो मतलब आपकी चांदी है बंसाली रोहित और इम्तियाज नो ऑन अ सीरियस नोट आई वुड रियली लाइक यू टू थिंक अबाउट अ सीक्वल ऑफ रॉकस्टार इम्तियाज व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट इफ जो कैरेक्टर है जॉर्डन वो बौखला जाता है वो एक फ्रॉक पहनता है उसका नाम होता है फ्रॉक स्टार मतलब कुछ भी उस दिन भाई खाला था आज फ्रॉक स्टार हो गया मतलब ये किस तरह की इमेजिनेशन और ये सब करते रहे फ्रॉक स्टार नहीं एक्चुअली हम एक आइडिया था बट लेकिन हमने एक पैक्ट बनाया था कि जो हमारे प्रोड्यूसर थे हिरेन वो अभी हमारे साथ वो हमारे साथ मौजूद नहीं है यहाँ इस वक्त ट्रेन में नहीं तो मौजूद नहीं है तो एक एक जो एक पैक्ट था उसके बिना हम फिल्म नहीं बना सकते ही हैज द राइट्स सो ऑन दिस नोट मैं सबको बता दूं जैसे हम अभी सब बड़ौदा पहुंच चुके हैं और ये जो मस्ती आपने इंटरव्यू में देखी है ये भी जारी रहेगी जब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रणबीर और दीपिका और इस तरह की मस्ती हमारे साथ थ्रू आउट द जर्नी टिल द टाइम वी रीच दिल्ली टुमारो मॉर्निंग करते रहेंगे थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस थैंक यू Thank you.